वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 80E की डिडक्शन के बारे में, जो कि है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन के बारे में। एलिजिबल असेसी कौन कौन है इस सेक्शन में? सेक्शन 80E प्रोवाइड्स डिडक्शन टू एन इंडिविजुअल असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय हिम इन द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। सो सेक्शन 80 में इंटरेस्ट की डिडक्शन तभी मिलेगी जब असेसी ने एक्चुअल वो इंटरेस्ट पे किया हो, ठीक है। द नेक्स्ट इज कंडीशंस, द लोन मस्ट हैव बीन टेकन फॉर द पर्पज ऑफ परसुइंग हिज हायर एजुकेशन और फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ हिज और हर रिलेटिव। सो या तो असेसी ने अपनी खुद की हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया हो या फिर अपने रिलेटिव के हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया हो। द लोन मस्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स रिलेटिव, सो इस सेक्शन में असेसी अगर अपने रिलेटिव्स के लिए भी हायर एजुकेशन के लिए लोन लेता है तो उसका इंटरेस्ट भी उसे इस सेक्शन में डिडक्शन मिल जाती है उस इंटरेस्ट की भी। सो रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आता है? असेसी के स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल और द स्टूडेंट फॉर होम द इंडिविजुअल इज़ द लीगल गार्जियन। हायर एजुकेशन का क्या मीनिंग है? इट मीन्स एनी कोर्स ऑफ स्टडी परस्यूड आफ्टर पासिंग द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी स्कूल बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और बाई एनी अदर अथॉरिटी ऑथराइज बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट or local authority to do so. Therefore, interest on loan taken for pursuing any course after class 12 or its equivalent will qualify for deduction under section 80E. Period of deduction, कितने time तक section 80E में deductions assessee ले सकता है? The deduction is allowed in computing the total income in respect of the initial assessment year, that is the assessment year relevant to the previous year in which the assessee starts paying the interest on loan, and 7 assessment years immediately succeeding the initial assessment year, yani ki 8 assessment years or until the interest is paid in full by the assessee whichever is earlier. So ya to assessee isme do conditions hain, unme se jo bhi earlier puri hoti hai tab tak assessee usme deduction le sakta hai, ya to assessee 8 assessment years तक डिडक्शन ले सकता है, और अगर इंटरेस्ट फुली पेड हो जाता है 8 असेसमेंट ईयर से पहले तो तब तक असेसी इस सेक्शन में डिडक्शन ले सकता है। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशंस हैं यहाँ पर। सेक्शन 80E में इंटरेस्ट की जो छूट मिलती है वो लोन अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लिया होना चाहिए। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मींस एन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश फॉर चैरिटेबल पर्पसेस एंड अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C और एन इंस्टीट्यूशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 80G सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस अ बैंकिंग कंपनी टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 applies, including a bank or banking institution referred to in section 51 of the act or any other financial institution which the central government may by notification in official gazette specify in this behalf. Thanks for watching and like, share and subscribe to our channel.